वेलकम बैक, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है संजीव कपूर किचन में। अब बारी है एक पिज्जा बनाने की, और वो भी फ्रेश पिज्जा। और ये जो पिज्जा है, ये देखते हैं कि कैसे अलग पिज्जा बन सकता है। इसके लिए ये जो पिज्जा मैं बना रहा हूँ, फ्रेश डो पिज्जा बनाएंगे। प्याज को महीन स्लाइस कर दिया, और फिर इसमें ये मेरे पास कैप्सिकम, ये जो कैप्सिकम है इसको भी स्लाइस कर लेते हैं। और तो ये ले लिया हमने प्याज और कैप्सिकम। और अब क्या करना है, ये मेरे पास में इसका डो, और ये जो डो है ये एक्चुअली आप मैदा लेके उसके अंदर फ्रेश यीस्ट, नमक, थोड़ी चीनी डालकर इसको पानी के साथ में गूंदना है। सॉफ्ट डो इसका तैयार करना है, और उसके बाद में जब ये फूल जाए तो एक बार इसमें मुक्का मार के, जैसे इसमें मैंने किया हुआ है, कुछ देर तक और रख दें, और फिर ये जो है इसका ये लीजिए, ये हम पेड़ा तैयार। ये और इसे जब आप बनाएं तो ये देखिए, मैंने इसको बहुत ज्यादा जो पेड़ा है उसे टाइट नहीं किया, क्योंकि ये ताकि जल्दी से बने। अब इसे बेल लेते हैं। बेलने के लिए इसे थोड़ा पतला बेलना है हमें। चलिए, अब ये हमने कर लिया तैयार, और अब क्या करना है, अब इसे ये लीजिए, और ये मेरे पास में है थोड़ा ऑलिव ऑयल, इस ट्रे में ये लगा लिया एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और ये पिज्जा का बेस, ये लीजिए ये पिज्जा का बेस। और अब ये मेरे पास टोमेटो, या ये टोमेटो कैनकसे जो है, ये देखिए मैंने थोड़ा मोटा ही रखा हुआ है, और ये बहुत ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। और अब ये जो है कैप्सिकम और प्याज, ये दोनों ये इसमें ये डाल दिया, ज्यादा नहीं, ये भी थोड़ा सा। और फिर इसमें डालते हैं ये मोज़रेला चीज। ये देखिए, अब नॉर्मल कैसे पिज्जा बनता है, बस कुछ वैसे ही मैं पिज्जा बना रहा हूँ, लेकिन ये पिज्जा जो है इसकी खासियत ये है कि इसमें एक और लेयर, और अब ये लेयर जो है डालने से पहले जरा मैं इसमें, मेरे पास एक्चुअली रेड चिलीज, और ये जो रेड चिलीज है ना, ये सूखी लाल मिर्चें कैंची से बड़ी छोटी छोटी कटी हुई, ये वैसी चिलीज हैं, ये देखिए तीखी, उसके साथ साथ थोड़ी काली मिर्च कुटी हुई, और थोड़े मिक्स्ड हर्ब्स, ड्राइड मिक्स हर्ब्स, ये इसके अंदर। और उसके साथ साथ इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये लीजिए ये डाल दिया इसके ऊपर। ये देखिए, ये जो पिज्जा है इसको अब हमने इस तरह से रोल कर देना है किनारे से। आप इसको चाहें तो अच्छी तरह से कर सकते हैं, थोड़ा सा नखरे के साथ कर सकते हैं, ये लीजिए ये हो गया। और फिर ये मेरे पास फोक से इसमें इस तरह से, और इसके बाद क्या करना है, ये ले लेना है चीज, ये
देखिए मोजरेला चीज एक बार फिर, और ये जो है टोमेटो कैनकसे पके हुए टमाटर थोड़ा सा प्याज और लहसुन के साथ में, इसमें बस रफली ऐसे ही डालना है इसको। उसके साथ साथ ये कुछ हैलापिनो पिकल्ड हैलापिनो पेपर्स, और क्या इसमें डाला जाए, थोड़े से ये प्याज और कैप्सिकम ये इसके ऊपर एक बार फिर, ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ये इसमें डाल दिया, थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब्स, और अब इसको रख देते हैं अवन के अंदर पकने के लिए। ये हमारा गया पिज्जा पकने के लिए, स्टफ्ड पिज्जा। मतलब वैसे तो नॉर्मल एक आप लेयर बनाते हैं, लेकिन इसमें दो लेयर हैं, और इसमें जो अंदर की स्टफिंग है उसमें भी अपना टेस्ट, ऊपर से भी पिज्जा दिख रहा है, अंदर से भी पिज्जा है, मतलब पिज्जा ही पिज्जा, पिज्जा का डबल रोल, फिल्मी डबल रोल से बहुत बढ़िया है ये डबल रोल, ब्रेड रोल नहीं नहीं पिज्जा रोल, पिज्जा स्टफ पिज्जा नाम में क्या रखा है, बनाइए खाइए गर्मा गर्म खाइए।